किए किए यही सौम्यदर्शी बालक बोधे दुर्घटना शिकार किए तुम बालक तुम परिचय कौन तुम घर कौटी प्रणाम आचार्य मोर नाम विष्णुगुप्त मोर ए संसार रे केही नहंती ए मोर कोनसी घर नहीं गुरुदेव तुम्हें तुम्हें ए परि अवस्था रे पड़िलो केमिति तुम भाग्य रखियो मु काठ काटिबे कि निजर गुजरण मेंटाई आज प्रातः रे काठ काटी निज पई भोजन प्रस्तुति करूथिली हठात मो पिंधा वस्त्र रे निया लागी गला मो देह जळी गला मु से जळंत देह रे गंगा को डेई पड़िली बंची गली सत हेले रास्ता रे फेरिला बेले पड़िथिबा पत्थर रे पड़ी मो छामो दिता दांत दिटा भांगी गला तमरो आत्मीय स्वजन के नहांती ये कहला कि नहांती जदि मोर कहीं नथांते ताहले मु आपन को पाई थांते केमिति मु मो निकट रे आपन को पाई माने से आपन को मो पख को पठाई चंते तेनो से मो से तो अछंते विष्णुगुप्त तुम्हें अत्यंत बुद्धिमान चतुर साहसी देख विष्णु तुम अधि शक्ति आ चतुरता देखि मु बुझे पारुची तुम्हें दिने ना दिने पृथ्वीर इतिहास रे तुम ना को स्वर्ण अक्षर लिपिबद्ध कराइबो आपण को भली गुरु को पाखरे रहिबार सौभाग्य मत मिलिले मो जीवन कृतार्थ होई जीव गुरुदेव किंतु कटु हेले मध्य कथाटा सत्य माने कारण हम शास्त्र रे अछि अज्ञान्त कुलशीलस्य वासनोदय हर माने तुम्हारा ना तो जानी हेले हेले तुम्हारा कुल गोत्र ए सब मु किछ जानी मु गर्वर सहित कहि पारे मु मगधर महाज्ञानी महापंडित अकाल रे हत होइथिबा पंडित चणकक पुत्र विष्णुगुप्त विष्णुगुप्त हाँ से दुखद हत्यार संवाद मु पाइछि तांक परि जणे महाज्ञानी को कहा पुरुष भाई हत्या करा गला देख विष्णुगुप्त मु तुमको वेद वेदांत उपनिषदर गंताघर भाव गढ़ी तोली किंतु किंतु तुम्हें गुरुदक्षिणा दबो देवी महामान्य गुरु मान को गुरुदक्षिणा दबा शिष्य मान परम कर्तव्य से पवित्र अम्लान कर्तव्य क्यों गुरु शिष्य परंपर रे तो लगे पारे देख विष्णुगुप्त मो जीवन रे जहा चाहे ताइ किंतु किंतु गोटे दुख मते बारंबार आघात करुचे क्यों दुख गुरुदेव नहीं थाउ ये प्रथम देखा रे प्रथम देखा रे गुरुदेव आपण मते प्रथम देखा रे शिष्यर मर्यादा संगे संगे पुत्रर सम्मान आपण को मोराण कहतु कौन है जो आपण पीड़ा अनुभव करुप्त पुणा कथा को भूली भल पुणा कथा को भूली जावा उचित भूली गले चलो गुरुदेव किंतु अपमान को भूली गले चलानी गुरुदेव तेब आप मत खोल के कहतु कौन है विष्णु प्रत्येक व्यक्ति निजर आयुष रोजगार घर गुप्त कथा जपुवा मंत्र मैथुन सेवन करुवा औषध कौन सी स्थान प्राप्ति अपमान
ଆଉ ସିଦ୍ଧି ଏ କଥା କାହା ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତବା ସତ ଗୁରୁଦେବ, କିନ୍ତୁ ପିତା ପୁତ୍ର ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଗୋପ୍ୟ ରହିଲେ ସେ ନିବିଡ଼ତା ଦୂରତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଠିକ ଅଛି ବିଷ୍ଣୁଗୁପ୍ତ, ମୁଁ ତକ୍ଷଶିଳାରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ମୋତେ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବରେ ବାରମ୍ବାର ଅପମାନିତ କରୁଥିଲେ ଆଉ ମୋର ଚରିତ୍ର ହନନ କରୁଥିଲେ। ମୋତେ ସେ ଆଗକୁ ପଢ଼େଇବାକୁ ଦେଲେନି। ମୁଁ ଚାହେଁ ତୁମେ ମୋର ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ପୁଣ୍ଡାରିକାକ୍ଷଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ, ସେଇଠାରେ ଅଧ୍ୟୟନ କର, କାରଣ ତକ୍ଷଶିଳା ହେଉଛି ସମଗ୍ର ଆର୍ଯ୍ୟବର୍ତ୍ତର ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ ଆଉ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର। ତୁମେ ସେଇଠାରେ ଅଧ୍ୟୟନ କର, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କର, ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କର, ଆଉ ସେହି ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ସେହି ଅଧ୍ୟାପକକୁ ତୁମେ ପରାଜିତ କର। ତେବେ ଯାଇ ମୋ ହୃଦୟରେ ଜଳୁଥିବା ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପିତ ହେବ। ତବ ଆଜ୍ଞା, ସ୍ଥିର ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ବିଜୟ ଭବ, ବିଜୟ ଭବ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।